नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में भाई दूज का भी बहुत महत्व है। भाई दूज का पर्व दीपावली के दो दिन बाद आता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। स्कंद पुराण में लिखा है, इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल ये पर्व 3 नवम्बर को मनाया जा रहा है। इसको मनाए जाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार स्वरूप वरदान प्राप्त किया था, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में जाना नहीं पड़ेगा। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई हैं। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती हैं। अब आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। कब है भाई दूज? कार्तिक मास द्वितीया तिथि का आरंभ 2 नवम्बर को रात में 8:22 पर हो जाएगा। कार्तिक द्वितीया तिथि 3 नवंबर को रात में 10:06 तक रहेगी। उदयन तिथि में द्वितीया तिथि 3 नवंबर को होने के कारण भाई दूज का पर्व 3 तारीख को मनाया जाएगा। दरअसल 3 तारीख को सुबह में 11:39 तक सौभाग्य योग रहेगा, इसके बाद शोभन योग लग जाएगा। इसलिए भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 11:45 तक रहेगा। जाहिर है भाई दूज का पर्व हिंदुओं में प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है। भाई दूज भाई बहन के बीच मान सम्मान और प्रेम प्रकट करने का शानदार अवसर है। भाई दूज का धार्मिक महत्व भी है। ये त्यौहार न केवल भाई बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है, बल्कि पूरे परिवार में एकता और एकजुटता की भावना को भी बढ़ावा देता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आपके लिए भाई दूज का पर्व बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।